हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस कॉपी के बारे में। यानी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बी फार्मेसी फिफ्थ सेमेस्टर के सिलेबस कॉपी के बारे में, जिसमें हम देखेंगे उसमें कितने चैप्टर्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स में कितने चैप्टर्स हैं, कितने यूनिट्स हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हैं। इन सभी टॉपिकों को बहुत ही डिटेल तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें। हम इस चैनल पर फार्मेसी रिलेटेड कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उनके शॉर्टकट नोट्स भी देते रहते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही आसान हो। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के आज के इस वीडियो हम शुरू करते हैं। कोर्स ऑफ स्टडी फॉर सेमेस्टर 5। दोस्तों, ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये टोटली फिफ्थ सेमेस्टर बी फार्मेसी के सिलेबस है, तो जिसमें आपको मिलेंगे टोटली 5 थेरी सब्जेक्ट एंड 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। दोस्तों, जो सब्जेक्ट्स है वो है मेडिसिनल केमिस्ट्री 2, इंडस्ट्रियल फार्मेसी 1, फार्माकोलॉजी 2, फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री 2 एंड फार्मास्यूटिकल ज्यूरिपेडेंस। ये थे थेरी सब्जेक्ट्स। एंड उसी तरह अगर हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात करेंगे तो उसमें है इंडस्ट्रियल फार्मेसी, फार्माकोलॉजी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी 1, फार्माकोलॉजी 2 एंड फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री 2। दोस्तों, ये जो टू टू पार्ट्स है, जैसे MC यानी मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 एंड कॉलोजी एंड कॉग्नोसी, तो जो टू टू है हमने 1 जो कि 4th सेमेस्टर में देखे थे। दोस्तों, हम एक एक सब्जेक्ट्स के सिलेबस के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा सिलेबस जो है हमारे टॉपिक रिगार्डिंग है। दोस्तों, सेमेस्टर 5, अब हम उसके सब्जेक्ट्स के बारे में देखेंगे। तो है मेडिसिनल केमिस्ट्री, तो इसके लिए चाहिए टोटली 45 आवर्स और इसमें टोटली 5 यूनिट है। दोस्तों, मैं सिर्फ चैप्टर के नाम ही बताऊंगा, अंदर का जो कंटेंट है आप खुद ही पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो भी अगर मैं पढ़ते जाऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो पहला है यूनिट 1, तो जिसमें है एंटी हिस्टामिक एजेंट। तो एंटी हिस्टामिक एजेंट में क्या होता है, जो हिस्टामाइन रिलीज होता है बॉडी में, जैसे H1 H2, तो इन सभी जो हिस्टामाइन को कंट्रोल करने के लिए एंटी हिस्टामिक ड्रग दिया जाता है। तो वो एंटी हिस्टामिक ड्रग्स के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो जो है जो फर्स्ट है H1 एंटागोनिस्ट एंड H2 एंटागोनिस्ट, तो जो है ये स्पेशली गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे ओमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, रोबेप्राजोल, पेंटेप्राजोल। एंड ये गैस्ट्रिक प्रोटोन पंप इनहिबिटर। नेक्स्ट है एंटी न्यूरोप्लास्टिक एजेंट, तो इसे हम नियोप्लाज्म में यूज़ करते हैं, जैसे अल्कलाइटिंग एजेंट। नेक्स्ट है एंटी मेटाबोलाइट्स, एंटी बायोटिक्स, प्लांट प्रोडक्ट्स। तो प्लांट प्रोडक्ट्स जैसे विन ब्लास्टिन, सल्फेट, विन क्रिस्टिन, ये एक्चुअली कैथरनथस रोजस से ही एक्सट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट मिसलिनीजियस। नेक्स्ट है एंटी एंजिनल एजेंट्स, तो जिसमें वैसोडाइलेटर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, स्पेशली हार्ट के लिए यूज़ करने वाले ड्रग्स है। नेक्स्ट है डाईयूरेटिक्स, तो जिसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, लूप डायूरेटिक्स, स्पेशली जो है नेफ्रॉन में यूज़ करने वाले ड्रग्स है। नेक्स्ट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, तो एंटी हाइपरटेंसिव जो ड्रग्स है वो हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए ही यूज़ करने वाले ड्रग्स है। एंड एंटी अरिथमेटिक ड्रग्स, ये भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स ड्रग्स है। एंड एंटी हाइपर लिपिडेमिक एजेंट्स, यानी लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है बॉडी में, जिससे स्ट्रोक वगैरह वगैरह प्रॉब्लम होने लगता है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कोआगुलेंट एंड एंटी कोआगुलेंट, यानी जो कोआगुलेंट होते हैं जो ड्रग्स है बॉडी में, जो ब्लड वो कोआगुलेंट हो जाते हैं, फिर उसमें हम एंटी कोआगुलेंट यूज़ करते हैं, फिर कोआगुलेंट ड्रग्स भी हम इसे यूज़ करते हैं, तो इस कई तरह के प्रॉब्लम्स के लिए हम इस ड्रग्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ड्रग यूज इन CHF एंड कंजक्टिव हार्ट फेल्योर में, जैसे डिगॉक्सिन। नेक्स्ट तो यूनिट फोर में है ड्रग्स एक्टिंग ऑन एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम जो होते हैं बॉडी में, उसमें हम कौन कौन से ड्रग्स को यूज़ करते हैं, जैसे सेक्स हार्मोन है, ड्रग एरेक्टल डाइफंक्शन है, एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉर्टिकोस्टिकॉइड एंड थायरॉयड एंड एंटी थायरॉयड ड्रग्स। जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है उसमें हम कौन कौन से ड्रग्स को यूज़ कर सकते हैं, तो उसके बारे में है
नेक्स्ट है एंटी डायबिटिक एजेंट्स। तो डायबिटिक रिगार्डिंग जो ड्रग्स हैं वो यूनिट 5 में देखा जाएगा। तो डायबिटिक जैसे इंसुलिन, उसके प्रिपरेशन एंड उसमें भी क्लासिफिकेशन डायबिटिक्स में सल्फोनाइल यूरियाज, बैगोनाइड्स, थायाजोलिनेडायोन्स, मैग्लिनेटाइड एंड ग्लूकोटाइज इनहिबिटर। तो इस हम सारे क्लासिफिकेशन एंड उसके स्ट्रक्चर एंड उसकी यूजेस के बारे में पढ़ना है। और जो दोस्तों जो ड्रग्स में ऐसे मार्क किया जाता है तो उसके प्रिपरेशन भी लिखना होता है। और दोस्तों जो मेडिसिनल केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स है इसमें आपको टोटली जो ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में भी बहुत ही डिटेल तरीके से पढ़ना होता है। नेक्स्ट दोस्तों लोकल एनेस्थेटिक। तो लोकल एनेस्थेटिक्स जो है एनेस्थेसिया में हम इसे यूज़ करते हैं। तो उसके SAR एंड स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, नेट बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव, अमाइनो बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव, लिडोकैन एंड एनिलेटाइड डेरिवेटिव, जिसमें जो कि टोटली जो ड्रग्स है ये एनेस्थेसिया में हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे दूसरे सब्जेक्ट्स के बारे में। तो है इंडस्ट्रियल फार्मेसी 1 जो कि 3 सब्जेक्ट्स है और इसके लिए टोटली चाहिए 45 आवर्स। तो इसमें भी 5 यूनिट्स है। तो पहला जो यूनिट्स है वो है प्री फार्मुलेशन स्टडीज़। तो प्री फार्मुलेशन स्टडीज़ में क्या करना पड़ता है, जब हम एक ड्रग्स को फार्मुलेटेड करते हैं तो उसके पहले हमें क्या क्या करना पड़ता है एक ड्रग्स बनाने के लिए। तो कई सारे टेस्ट होता है तो इसी के बारे में यहाँ पर पढ़ा जाता है इस सब्जेक्ट्स में, जैसे कि उसके पार्टिकल साइज, शेप, उसके सॉल्युबिलिटी क्या है, ड्रग्स की सॉल्युबिलिटी क्या है, उसके ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलाइसिस, इन सभी के बारे में इस पहले यूनिट में पढ़ा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों यूनिट टू में जो है टैबलेट्स। तो टैबलेट्स तो हम सभी को पता ही होगा टैबलेट्स। तो टैबलेट्स में क्या किया जाता है कि टैबलेट्स कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, कौन कौन से एक्सीपिएंट यूज़ करते हैं, कौन कौन से मेथड के जरिए टैबलेट को प्रिपेयर किया जाता है, फिर टाइप्स ऑफ टैबलेट जैसे टैबलेट कोटिंग है। नेक्स्ट क्वालिटेटिव कंट्रोल टेस्ट, एक टैबलेट को बनाकर उसके कौन कौन से टेस्ट भी किया जाता है। नेक्स्ट लिक्विड ओरल्स। तो लिक्विड ओरल्स में हम सेम इसी तरह जैसे सिरप, एलिक्सर, उसके सस्पेंशन प्रिपरेशन एंड इन सभी के बारे में पढ़ना होता है। और दोस्तों यूनिट 3 में है कैप्सूल। तो जिसमें हार्ड जिलेटिन एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, उसके प्रिपरेशन मेथड, उसके टेस्ट, इन सभी के बारे में पढ़ना होता है। जैसे टैबलेट्स कैसे कैप्सूल कैसे प्रिपेयर किया जाता है एंड जो जिलेटिन शेल होता है उसे कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसे कैसे बनाया जाता है, इन सभी के बारे में पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट है पैलेट्स। तो पैलेट्स जो है उसके फॉर्मूलेशन रिक्वायरमेंट, उसके प्रोसेस, इक्विपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, उन सभी के बारे में पढ़ा जाता है। उसके यूनिट 4 में है पेरेंटल प्रोडक्ट्स। तो जो पेरेंटल प्रोडक्ट्स होता है जिसे हम पेरेंटल यूज़ करते हैं तो उसी के बारे में ही यूज़ किया जाएगा। जैसे पेरेंटल प्रोडक्ट जैसे इंजेक्शन, उसमें हम कौन कौन से व्हीकल को यूज़ करते हैं, उसे हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसके कंट्रोल टेस्ट, इन सभी के बारे में स्टडी किया जाता है। एंड ऑप्थेलमिक प्रिपरेशन। तो ऑप्थेलमिक में हम क्या क्या यूज़ करते हैं, आई ड्रॉप्स, नेजल ड्रॉप्स एंड लोशंस, इन सभी के प्रिपरेशन, उनके लेबलिंग, कंटेनर, इन सभी के बारे में स्टडी किया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों यूनिट 5 जिसमें कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक मतलब हम अपने डेली लाइफ में जो जो यूज़ करते हैं जैसे क्रीम, कोल्ड क्रीम, टूथपेस्ट, तो इनके बारे में स्टडी किया जाता है इस कॉस्मेटिक के लिए हम जो कि यूज़ करते हैं। नेक्स्ट फार्मास्यूटिकल एरिजोल्स। तो एरिजोल्स यानी एक कंटेनर, एरिजोल्स कंटेनर सिस्टम में हम अगर जो ड्रग्स को हम एरिजोल सिस्टम में उसे रखते हैं, उसे यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब डाइक्लोफिनेक यानी दर्द के दवाई को हम आजकल स्प्रे के रूप में यूज़ करते हैं, जैसे वालिनी, मूव, तो उन सभी उसे कैसे बनाया जाता है, उसके मेटल, इन सभी के बारे में स्टडी करना होता है। जैसे पैकेजिंग मटेरियल साइंस, तो कौन कौन से मेटल हम यूज़ करते हैं पैकेजिंग करने के लिए ड्रग्स को, तो उसी के बारे में स्टडी किया जाता है। दोस्तों इंडस्ट्रियल फार्मेसी जो है उसके प्रैक्टिकल में टोटली 11 एक्सपेरिमेंट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों फार्माकोलॉजिकल टू में टोटली चाहिए 45 आवर्स। और इसमें भी टोटली वैसे सेम 5 यूनिट्स है। तो पहला है यूनिट 1। तो यूनिट 1 में फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो
सीवीएस यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हम कौन कौन से ड्रग्स को यूज़ करते हैं, तो इसी के अंदर आता है कंजक्टिव हार्ट फेलियर, हाइपरटेंशन, एंटी हाइपरटेंशन, एंटी एंजिनल एजेंट, अरिथमिया, हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स। तो इसी के अलग अलग क्लासिफिकेशन होते हैं, उनके ड्रग्स के बारे में स्टडी करना होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेस क्लासिफिकेशन, तो इन सभी के बारे में भी स्टडी करना होता है। नेक्स्ट यूनिट टू में फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में नेक्स्ट जो पार्ट आता है, तो जिसमें हमें स्टडी करना होता है जब शॉक होता है हार्ट में, हार्ट शॉक, तो इस थेरेपी में हम कौन से ड्रग्स यूज़ करते हैं, एंड हेमाटिनेंट्स, कोगुलेंट, एंटी कोगुलेंट ड्रग्स के बारे में, फाइब्रिनोलाइटिक्स एंड एंटी प्लेटलेट ड्रग्स, इन सभी के बारे में स्टडी करना होता है दोस्तों। फिर उसी में सेकंड चैप्टर है फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन यूरिनरी सिस्टम। तो यूरिनरी सिस्टम में हम कौन कौन से ड्रग यूज़ करते हैं, जैसे डायरेटिक्स, एंटी डायरेटिक्स, जो कि हमने मेडिसिनल केमिस्ट्री में देखे थे, और इसका जो दोस्तों कोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री जो क्लासिफिकेशन सेम ही होता है, थोड़ा वेरिएंट होता है, लेकिन मेडिसिनल केमिस्ट्री में आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, और यहाँ पर आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसके यूजेस, एडवर्स इफेक्ट, फार्माकोकाइनेटिक्स, डायनामिक्स, इनके बारे में स्टडी करना होता है। नेक्स्ट यूनिट थ्री में है एंटीकॉइड्स एंड रिलेटेड ड्रग्स, तो जिसमें आपको ऑटोकॉइड्स मतलब क्या है, हिस्टामाइन, फाइस्टामाइन, एंटागोनिस्ट एंड प्रोस्टाग्लैंडिस, थ्रोम्बोक्सिनेस, इन सभी के बारे में स्टडी करना होता है, गॉट, एंटी गॉट, एंटी रूमेटामेटिक ड्रग्स। और यूनिट फाइव में है दोस्तों फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम जो कि हमने लास्ट मेडिसिनल केमिस्ट्री में देखे थे, और इसमें भी है, तो इसमें आपको उसके एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट, पिट्यूटरी हार्मोन्स एंड थायराइड हार्मोन्स, इन सभी के बारे में स्टडी करना होगा। नेक्स्ट दोस्तों यूनिट फाइव में है फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन एंडोक्राइन सिस्टम। तो कौन कौन से ड्रग्स जो कि एंडोक्राइन सिस्टम में एक्ट करता है, जैसे एंड्रोजेंस, एनाबोलिस, स्टेरॉइड्स, एस्ट्रोजन, प्रोगेस्ट्रोजन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ड्रग एक्टिंग ऑन यूट्रस, तो जो है एंडोक्राइन सिस्टम रिगार्डिंग, जैसे सेक्स हार्मोन रिगार्डिंग ही यूनिट फाइव का जो टॉपिक्स है वो है। और नेक्स्ट है दोस्तों सिक्स जो कि बायोस है, तो बायोस से जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एग्जाम में अक्सर पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन है वो बायोस से ही होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जिसमें हम बायोस के बारे में स्टडी करना होगा। बायोस मतलब होता क्या है, टाइप्स ऑफ बायोस, एंड बायोस में कई तरीके के हैं, जैसे इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रिन एंड डिजिटलिस जो कि ड्रग्स के हैं, तो इन सभी के बारे में स्टडी करना होगा। नेक्स्ट दोस्तों फार्माकोलॉजी का अगर प्रैक्टिकल की बात करेंगे, तो इसमें टोटली 15 एक्सपेरिमेंट्स हैं। नेक्स्ट है दोस्तों फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री टू, तो इसमें टोटली 45 आवर्स की ज़रूरत है, और इसमें 5 यूनिट्स है। तो पहले जो है मेटाबॉलिक पाथवे इन हायर प्लांट्स इन द डिटरमाइनेशन, तो हायर प्लांट्स यानी बड़े पेड़ों में हायर प्लांट जो है उसमें जो मेटाबॉलिक पाथवे होता है उसके बारे में स्टडी करना होता है। नेक्स्ट है यूनिट टू, तो यूनिट टू में हमें कई तरीके का जो केमिकल कॉम्पोजिशन, केमिस्ट्री कॉम्पोजिशन, केमिकल क्लासेस एंड बायोसोर्सेस, थेरापेटिक यूज इन द एप्लीकेशन इन द फॉलोइंग, तो जो अल्कोलॉइड्स, फिनाइल प्रोपेनॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, स्टेरॉइड्स, कार्डियक ग्लाइकोसाइड, टर्पेनॉइड्स, वोलेटाइल ऑयल्स, तो ये जो सारे कंपाउंड्स है उन्हीं के कॉम्पोजिशन क्या है, उनके केमिस्ट्री क्या है, केमिकल क्लासेस, उनके सोर्स, इन सभी के बारे में स्टडी करना होगा। तो जैसे अगर मैं बात करूँगा फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है अल्कोलॉइड्स है, तो अल्कोलॉइड जो कि विंका, रोवल्फिया, वेलाडोना एंड ओपियम, तो विंका, रोवल्फिया, वेलाडोना, ओपियम जो है ये जो है एक ड्रग्स है, तो इनके केमिस्ट्री कॉम्पोजिशन, केमिकल क्लासेस, इनके सोर्स, इन सभी के बारे में यूजेस, इन सभी के बारे में स्टडी करना होगा। जो कि विंका कहाँ से होता है, फिर विंका के केमिकल स्ट्रक्चर, विंका के केमिकल क्लासेस, इनकी केमिस्ट्री, सोर्स, इसे हम कैसे यूज़ कर सकें, इन सभी के बारे में, क्योंकि इन सभी ड्रग्स के बारे में स्टडी करना होता है। नेक्स्ट है यूनिट थ्री में आपको जो है आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस ऑफ फाइटोकॉन्स्टिट्यूट्स, तो फाइटोकॉन्स्टिट्यूट क्या क्या है, टर्पेनॉइड्स में आएंगे,
मेथोल सिट्रल अर्थमाइसिन, तो इन जो ग्लाइकोसाइड अल्कोलाइड्स एंड रेजिन्स है, इन सभी के जो ड्रग्स हैं उनके आइसोलेशन, उसे हम कैसे आइसोलेट करते हैं, तो कई सारे प्रोसेस हैं उसे हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो इन सभी जो प्रोसेस है, अलग अलग प्रोसेस है, मेथड है, उसी के बारे में स्टडी करना होता है। तो कई सारे मेथड में हम सिलिका जेल एंड अलग अलग मूविंग एजेंट्स, इन सभी स्टेशनरी एंड मूविंग एजेंट्स को हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, फोर में है जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एस्टिमेशन एंड इन यूटिलाइजेशन, इन सभी के बारे में स्टडी करना होगा, जैसे फॉरस्किन, सामोसाइड, अर्थनोमाइसिन, डिगोक्सिन एंड अट्रोपिन। तो ये जो है यूनिट 3 एंड यूनिट 5 जो है, यूनिट 4 जो है थोड़ा सिमिलर होता है। नेक्स्ट है बेसिस ऑफ फाइटोकेमिस्ट्री। तो फाइटोकेमिस्ट्री में स्पेक्ट्रोमेट्री, क्रोमोमेट्री, इलेक्ट्रोफोरेसिस, आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन, तो इसी के बारे में स्टडी करना होगा। जो हम एक प्लांट से ड्रग्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, उन सभी के बारे में स्टडी करना होता है। और दोस्तों, इसी की प्रैक्टिकल की बात करेंगे तो इसमें टोटली 6 एक्सपेरिमेंट है। तो ये जो है बहुत ही ईजी एक्सपेरिमेंट है। जब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमें अलग अलग ये लेना है, जैसे सिंकोना, सिनामन, क्लव्स, एफिड्रा, फेनल, कोरिएंडर, तो उनके सेक्शन कटिंग करना है, उसी में कौन कौन से पार्ट्स है उसको आइडेंटिफाई करना है। और कैफीन की बात करेंगे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, तो कैफीन कॉफ़ी पाउडर या फिर टी पाउडर से हमें कैफीन को एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो ये कई सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट है जो कि बहुत ही ईजी एक्सपेरिमेंट है। नेक्स्ट दोस्तों, फार्मास्यूटिकल ज्यूरीपेडेंस। तो ज्यूरीपेडेंस जो लोग डिप्लोमा करके आते हैं उनके लिए बहुत ही ईजी सब्जेक्ट्स है। दोस्तों, ज्यूरीपेडेंस में सिर्फ रूल्स ही होता है, फार्मेसी में कौन कौन से रूल्स है, क्या कुछ है, इन सभी के बारे में स्टडी करना होता है। तो इसमें टोटली 5 यूनिट्स है। तो पहला यूनिट है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड इट्स रूल 1945। सेकेंड जो यूनिट है वो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड इट्स रूल्स 1945। तो इसमें अलग अलग शेड्यूल्स है, उन शेड्यूल के बारे में स्टडी करना होगा, एंड अलग अलग रूल्स है, शेड्यूल्स है, तो सेल्स ऑफ ड्रग्स यानी ड्रग्स को कैसे सेल किया जाता है, उसी में होलसेल रिटेलर, इन सभी के बारे में कौन कौन से पेनल्टीज है, ऑफेंसेस है, सभी के बारे में स्टडी करना होगा। और यूनिट 3 में दोस्तों फार्मेसी एक्ट 1948। नेक्स्ट है मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन 1945। तो टॉयलेट प्रिपरेशन में जो है उसी के बारे में स्टडी करना होता है, उसमें कितना अल्कोहलिक परसेंटेज होना चाहिए, उनके बारे में उसके डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 एंड रूल्स। तो नारकोटिक ड्रग्स जो होता है जैसे ओपियम, पॉपी, इनके कैसे कल्टिवेटेड किया जाएगा, उसी के लिए कुछ रूल पेनालिटीज है, उसी के बारे में स्टडी करना होगा। नेक्स्ट यूनिट 4 में स्टडी एंड साइलेंट फीचर्स ऑफ ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट एंड इट्स रूल्स। तो मैजिक रेमेडीज जो है, काला जादू हम बोलते हैं उसे, तो उसी के बारे में होगा। अगर किसी को कुछ ऐसे जो है काला जादू या फिर मैजिक रेमेडीज कहते हैं, उसी का एडवर्टाइज करना, उसके लिए क्या अवॉइडनेस है, क्या पेनालिटीज है उसी के बारे में, एंड प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी ऑफ एनिमल्स एक्ट। नेक्स्ट नेशनल फार्मास्यूटिकल एंड प्राइसिंग अथॉरिटी यूनिट 5 में फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन एंड कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स एंड मेडिसिनल टर्मिनोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंट्रोडक्शन टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसे हम IPR कहते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे बी फार्मेसी के 5th semester के टॉपिक, जिसमें हमने टोटली हर टॉपिक को कवर किया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक इम्पॉर्टेंट नोट्स दोस्तों, जो इसी सेमिस्टर के टॉपिक मेडिसिनल केमिस्ट्री के जो सब मेडिसिनल केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट्स है उसके जो टॉपिक्स है, हर टॉपिक्स के वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आप चाहे तो सर्च करके देख सकते हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ही इजी तरीके से हमने प्रिपेयर किया है, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।